बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर जीबे पाकिस्तान वीलॉग्स। आपका मेज़बान चौधरी सोहेब साले के एक नए शहर की कहानी है कि आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बात करने जा रहे हैं रहीम यार खान के हवाले से। ये प्यारा शहर पंजाब में वाक़ है। इस इलाके की तारीख बहुत पुरानी है। ये शहर दरिया सिंध के किनारे आबाद है। 1881 में ये नौशहरा में से रहीम यार खान में ढल गया था। इस शहर की 4 तहसीलें मौजूद हैं। इन तहसीलों में लियाकतपुर, खानपुर, सादिकाबाद और रहीम यार खान शामिल। यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है और हरियाली अगर आप देखें तो आप इसके दीवाने हो जाएं। इस शहर की बड़ी मशहूर भून मस्जिद है जो अपनी मिसाल आप है, जिसका फ़न तामीर लोगों के लिए दीवानगी और इसके हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। इसके फ़न तामीर की मिसाल इस तरह लीजिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका जिक्र किया गया है, जो पाकिस्तान समेत हर मुसलमान के लिए काबिल फ़ख्र बात। यहाँ मौजूद शेख जैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें उतरती हैं और मुसाफिरों का रश भी काफ़ी देखा जाता है, ये भी इस बात की अलामत है कि इस शहर में बैनुल अक़वामी कदर की जाती है। इलाके में मुख्तलिफ दरसगाहें मौजूद हैं जहाँ तुलबा अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस इलाके का भी नाम बना रहे हैं। तफरी के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा वाइल्ड लाइफ पार्क मौजूद है, जहाँ फैमिलीज आती हैं और अपना कीमती वक्त में से कुछ लम्हात यादगार बनाने के लिए यहाँ पे वक्त गुजारते हैं। सदर बाज़ार यहाँ का बड़ा मशहूर बाज़ार है, जहाँ पे हर किस्म की चीज़ आपको दस्तयाब है। अगर ख्वाबों की बात करें तो यहाँ पे खानपुर के पेड़े बड़े मशहूर हैं और यहाँ के लोग कहते हैं कि आप इनको चखे बगैर यहाँ से वापस चले जाएँ, ये तो मुमकिन नहीं। इसके अलावा इस इलाके की जलेबी बड़ी मशहूर और लजीज है और वहाँ के लोग बताते हैं कि इसको बनाने का एक मुनफरद अंदाज़ जो कि बाहर से आने वाले मेहमानों को बहुत पसंद आता है। नाज़रीन, अगर आपको मौका मिले तो आप भी एक दफ़ा यहाँ का रुख ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपने अपने ट्रिप में रहीम यार खान के हवाले से क्या चीज़ें देखी जो आपको पसंद आई। चौधरी सोहेब साली के इस एपिसोड से इजाज़त देता है। पाकिस्तान के किसी और शहर में मज़ीद कहानी देखे दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।